स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल नेचुरल केयर प्लस में। दोस्तों बाल किसे प्यारे नहीं होते हैं। बालों को दोस्तों सुंदर दिखाने के लिए लोग कई बार बालों में कुछ ऐसी चीज़ें लगा लेते हैं जिसका साइड इफ़ेक्ट उनको कुछ समय बाद मालूम पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, चाहे बालों के अंदर कलर करना हो, बालों के अंदर तरह तरह की क्रीम, वैक्स या फिर स्ट्रेटनिंग क्रीम लगाना हो आदि से हमारे बाल कुछ समय के लिए आपको सुंदर दिखाई देते हैं, परंतु कुछ समय बाद इसके आपको साइड इफ़ेक्ट या फिर इसके बैड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिलते हैं। ये आपकी स्कैल्प को कमज़ोर कर देते हैं और साथ ही साथ आपके बालों को झड़ना शुरू कर देते हैं, आपको गंजा बनाना शुरू कर देते हैं या फिर आपके बालों को सफ़ेद करना शुरू कर देते हैं। फिर दोस्तों हम तरह तरह के डॉक्टर्स के पास जाकर इसका इलाज ढूंढते हैं और तरह तरह की रेमेडीज़ इसके लिए ढूंढते हैं इंटरनेट पर। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए एक ऐसा घरेलू उपाय लेकर के आया हूँ जिसका अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आपके बालों की समस्या दूर होगी, आपके बाल मजबूत घने होंगे और दुगनी तेज़ी से बढ़ना शुरू होंगे। तो इसके लिए दोस्तों मैं यहाँ पर लेने वाला हूँ आधी कटोरी के करीब दही। दही दोस्तों ये घर का ताज़ा दही है और गाढ़ा दही है, इसके अंदर से आपको पानी को निकाल लेना है थोड़ा सा। और इसके बाद दोस्तों इसके अंदर आपको डालना है आंवला पाउडर। दोस्तों आंवला पाउडर दोस्तों अगर आप बाज़ार से लेंगे तो ये आपको पंसारी की दुकान पर आसानी से मिल जाएगा। तो करीब आपको एक चम्मच इसके अंदर आंवले पाउडर का ले लेना है। आंवला दोस्तों हमारी स्किन के लिए, हमारे बालों की जो स्कैल्प होती है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद और ज़रूरी होता है। इसके अंदर विटामिन सी होता है और साथ ही साथ ये खाने में भी हमारे बालों को ग्रोथ देता है। इसी के साथ दोस्तों आपको अरीठा पाउडर डालना है इसके अंदर, ये भी आपको पंसारी की दुकान पर आराम से 20 से 25 रुपए के पैकेट में मिल जाएगा। अरीठा भी हमारे बालों के लिए काफ़ी ज़्यादा एक नेचुरल शैम्पू का काम करता है। दोस्तों पुराने ज़माने में लोग शैम्पू का इस्तेमाल नहीं बल्कि अरीठा के पानी का इस्तेमाल करते थे। अरीठा को रात भर भिगो कर रखने से इसके जो पानी सुबह होता है उससे अगर आप अपने बालों को धोएंगे तो ये नेचुरल शैम्पू की तरह काम करता है। तो एक चम्मच यहाँ पर अरीठा पाउडर का भी इसके अंदर हम ले लेंगे। तो जितनी मात्रा हमने आंवला के पाउडर की ली थी उतनी ही मात्रा हमें यहाँ पर अरीठा की ले लेनी है। अब दोस्तों इसके अंदर हम हमारा तीसरा इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे दोस्तों, वो है शिकाकाई पाउडर। शिकाकाई भी दोस्तों बालों के लिए, बालों की जो झड़ने, जिनके बाल ज़्यादा झड़ते हैं उनके लिए शिकाकाई बहुत ही ज़्यादा रामबाण नुस्खा है। और जिनके बाल सफ़ेद हो चुके हैं यानी जो जल्दी कम उम्र में जिनके बाल सफ़ेद हो जाते हैं वो भी अगर शिकाकाई का इस्तेमाल करेंगे तो उनके बालों की जो नेचुरल ब्लैकनेस है वो वापस से आना शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों अब इन तीनों चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और दोस्तों आपने ध्यान दिया होगा कि हमने इस नुस्खे के अंदर जो तीनों पाउडर इस्तेमाल किए हैं तीनों ही नेचुरल है, तीनों के अंदर कोई केमिकल या फिर कोई हानिकारक पदार्थ नहीं है जिससे कि आपके बालों में कोई नुकसान हो। उल्टा ये आपके बालों को ग्रोथ देंगे, साथ ही साथ आपके बालों अगर झड़ते हैं तो झड़ते हुए बालों पे रोक लगाएंगे, आपके बालों को मजबूत करेंगे, घना बनाएंगे और काला करेंगे। तो इसको अच्छी तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। और दोस्तों शैम्पू करने से पहले, जी हाँ दोस्तों आपको शैम्पू करने से पहले इसको अपने बालों के अंदर अच्छी तरीके से लगाना है, रूट तक यानी जड़ों तक आपको इसको लगाना है। उसके बाद आपको बालों में इसे यूं ही लगे रहने देना है और करीब 15 से 20 मिनट इसको आपको बालों में रखना है। आप चाहे तो शैम्पू के बाद भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको लगाने के बाद आप अपने बालों को पानी से भी धो सकते हैं और आप चाहे तो शैम्पू का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों शैम्पू आपको नेचुरल या आयुर्वेदिक शैम्पू का इस्तेमाल आपको करना होगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।